हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कांची, योर फ्लॉसिम गर्ल। मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू हॉल्स, फैशन, मेकअप, व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉल वीडियो। मैंने बहुत पहले, आई थिंक सो 3 मंथ्स हो गए, मैंने पर्पल से शॉपिंग की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड अभी मैंने दोबारा पर्पल से शॉपिंग की है, सो उसका ही हॉल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को मुझे देख के बहुत ही अलग लग रहा होगा, सो ये है द मेकअप वीडियो जो मैंने शूट किया था। मैंने लुक रिक्रिएट किया ऑफ कियारा आडवाणी फ्रॉम द मूवी शेरशाह। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लेना वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ वो मैंने यूज़ करके ये लुक क्रिएट किया है। तो आपको इसके स्वॉचेस एंड इसका इफ़ेक्ट्स पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। सो ये लुक मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ये लुक चेंज करने का नहीं सोचा एंड मैं वैसे ही सेकेंड वीडियो शूट करने बैठ गई। सो नाउ विदाउट फर्दर टॉकिंग, लेट्स बिगिन। सो यहाँ है मेरा छोटू सा पिटारा। सो बहुत ही स्मार्ट शॉपिंग करने का मैंने ट्राई किया है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी चीज़ें नहीं खरीदी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो ही मैंने बाई किया है। ये मेरा शॉपिंग रूल है कि यू डोंट बाई इफ़ यू डोंट नीड इट, यू ओनली बाई इफ़ यू नीड इट डेस्परेटली एंड कुछ अगर ऑल्टरनेटिव नहीं होता है दूसरा तो ही मैं शॉपिंग करती हूँ। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मुझे बहुत टाइम से एक फाउंडेशन चाहिए था। मैं कब से मेबलिन का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही थी जो कि अच्छा खासा बजट में बैठता है। एंड देन आता है लॉरियल का। अब लॉरियल का आप लोग जानते हो कि एक फाउंडेशन जो है वो 1050 रुपीज़, लाइक 1000 रुपीज़ को क्रॉस करके मिलता है। सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, दो वो बहुत ही अच्छा है बट देन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड मैं उसे एवरी डे अप्लाई करके ख़त्म नहीं करना चाहती थी। सो इसलिए वेंट अहेड टू दिस इज़ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। तो प्राइजेस मैं आपको स्क्रीन पे पॉपअप कर दूंगी। सो मैंने ये फाउंडेशन लिया एंड मैंने जो मेरा ये वाला बेस है वो इसी फाउंडेशन से क्रिएट किया है एंड आई डोंट नो वाई मैंने अब तक लैक्मे के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए थे, लाइक लैक्मे का फाउंडेशन मैंने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, मैं यही सोच रही हूँ बिकॉज दिस इज सो गुड। मेबलिन का जो फाउंडेशन है ना उसकी स्मेल से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट ऑन द अदर हैंड लैक्मे से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इसमें मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आती है स्मेल की। इनफैक्ट बहुत ही एक अच्छा सा खुशबू है इसमें जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर एवरी डे, ऑल्सो इट इज़ परफेक्ट फॉर एनी स्पेशल ओकेशन, अगर आप चाहो तो उसके लिए भी ये फाउंडेशन इज़ परफेक्ट। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट मैंने लिया है कंसीलर। मैंने ऑलमोस्ट फुल फेस में जितना मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है उतना कवर करने की कोशिश की है इस हॉल में। सो नेक्स्ट मैंने लिया है कंसीलर एंड कंसीलर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का। दिस इज़ इन द शेड 02 सैंड सेबल, परफेक्ट फॉर माई शेड। देखने से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट लगता है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया था फेस पे। जो कंसीलर का मेन काम क्या होता है कि हमारी जो अंडर आइज जो बहुत ज़्यादा डार्कन अप होती है उसे थोड़ा सा लाइटन अप करना। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा से लाइटन अप करके एक हाईलाइटर काइंड ऑफ इफेक्ट देता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना अच्छा बजट में बैठता ही है। एंड मैंने जो लास्ट लिया था वो मेबलिन का कंसीलर लिया था जो मुझे 480 के आसपास पड़ा था बट ये उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। सो अगर आप बजट पे हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एवरीडे यूज़ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, स्किन को बिल्कुल भी हार्म भी नहीं करेगा, बहुत ही लाइट वेट है। मैं पहले जितने भी मेरे वीडियोस है या जो भी है उसमें मैं जो मेरा मेकअप एक किट है अर्बन क्लैप का उसमें जो ब्लश है मैं वही यूज़ करती हूँ, मेरे पास अलग से कोई ब्लश नहीं है। अदरवाइज़ मैं अपनी लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ बट दिस टाइम आई थॉट कि चलो एक ब्लश में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा सोच के मैंने ये वाला ब्लश मंगाया स्टे क्वर्की का एंड बहुत ही अच्छा कॉरल चिक 5 इसका शेड है एंड मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा ब्लश है। इनफैक्ट अभी इसे अप्लाई किया हुआ ये वाले ब्लश को, थोड़ा सा पैकेजिंग में दिक्कत है ये बाहर जल्दी से आता नहीं है। बहुत ही नेचुरल फिनिश देने वाला ब्लश है एंड आई लाइक ब्लशेस जो नेचुरल दिखे, ना कि ऐसा कि आपको किसी ने एक चपेट मारी हो, वैसा नहीं दिखना चाहिए, बहुत ही नेचुरल लगना चाहिए। एंड ये ब्लश बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है ऑन फेस क्योंकि मैंने अभी भी इसे अप्लाई किया हुआ है। अगर आप अभी जितना ही ब्लैक काजल ट्रेंड में है उससे ही ज़्यादा ब्लू एंड ग्रीन ये सारे काजल्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स बढ़ती जा रही है एंड अलग अलग मेकअप लुक क्रिएट करने में काम आएगा, इसीलिए मैंने एक ब्लू हेवन का ये 2X वाला ब्लू कलर का काजल मंगाया। यहाँ पर मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ,
कितने दूर से मैंने इसे अप्लाई किया है, बट आप देख सकते हो कि आपको वहाँ से भी इसका स्ट्रोक दिख रहा है। सो बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली ट्राई दिस वन। कोई भी यू नो ड्रामेटिक लुक, या आजकल तो ब्लू काजल नॉर्मल लुक्स के लिए भी क्रिएट करने में बहुत काम आता है। बिल्ट इन शार्पनर, ओ इसमें शार्पनर भी है। नेक्स्ट द ओजी, जो कि सबके पास है बट अभी तक मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसलिए लगे हाँ, तो इस टाइम अच्छी खासी सेल पे मिल रहा था तो मैंने ले लिया, एंड वो है द ओजी लैकमे का इंस्टा लाइनर। एंड इसके बारे में आप क्या ही बोलूँ, यू नो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आई एम श्योर आप लोगों में से तो बहुत लोगों के पास ये होगा, बट मेरे पास नहीं था। मैं दूसरा कोई आई लाइनर यूज़ कर रही थी इतने टाइम से, बट अभी क्योंकि सेल था, मौका था, दस्तूर भी था, तो इसलिए मैंने इसे पिकअप कर लिया। एंड एज यू ऑल कैन सी, बहुत ही काम आने वाला है, एवरीडे के लिए परफेक्ट रहेगा। इसका वॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल आईलाइनर्स तो बहुत सारे आते हैं, पर जो वॉन्ड है ना, परफेक्ट वॉन्ड मिलना बहुत मुश्किल है, बट इसमें परफेक्ट वॉन्ड है। सो एंड ये मुझे 150 के आसपास मिल गया था, सो अ ग्रेट डील फॉर एन आईलाइनर। क्वांटिटी बहुत अच्छी है इसकी, प्राइस तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। नेक्स्ट अब बारी आती है, आप लोग अभी तक आपने देखा होगा हमने बेस कवर कर लिया है विथ फाउंडेशन एंड कंसीलर, देन हमने आई लुक कवर कर लिया है विथ काजल एंड आईलाइनर्स, एंड नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा पैम्पर करना चाहा अपने लिप्स को, तो लिप्स के लिए मैंने मंगाया है NY बे की लिपस्टिक। एंड मुझे बहुत टाइम से ना एक न्यूड, बीच में न्यूड वाला कुछ चाहिए था, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि मेरे पास ज़्यादातर है ना ले देके रेड टोन में ही लिपस्टिक्स आ रही है, मतलब रेड या पिंक ऐसे ही टोन में आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए था फॉर माई सेल्फ, तो इसलिए मैंने ये NY बे का ये वाला लिक्विड लिपस्टिक पिकअप किया। ये है लेडीज़ नाइट 6 शेड में, यू आर गोना लव द स्वॉच। खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है इसकी, एकदम यू नो वो चॉकलेट वेनिला काइंड ऑफ खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। एंड लुक एट द शेड, परफेक्ट फॉर ऑफिस वेयर, परफेक्ट फॉर पार्टी वेयर, ऑल्सो परफेक्ट अगर आपको यू नो सिर्फ घर में बैठना है एंड थोड़ा सा एक हिंट ऑफ कलर चाहिए ऑन योर लिप्स, देन दिस लिपस्टिक इज परफेक्ट। और ये फिलहाल मेरे नेल पेंट के साथ भी बहुत अच्छी तरह से जा रही है, बहुत ही क्लासी लिपस्टिक है। सो फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड शॉपिंग ना, ये मेरे लिस्ट पे था, बट पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ हो रहा था और ये नहीं आ पा रहा था, मैं नहीं खरीद पा रही थी, कभी मैं भूल जा रही थी। दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं इसे ज़रूर 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 खरीदूँ, एंड वो है ये छोटू सा डब्बा, ये है ब्लू हेवन का लिप बॉम इन द सेंस ये लिप बाम है बेसिकली। एंड याद होगा वो जो बबल गम आता था बूमर, आई डोंट नो अभी आता है या नहीं आता है, एग्जैक्टली वैसा स्मेल है इसका, एग्जैक्टली फुल आपको 90s में लेके जाएगा। एंड आई लव द स्मेल, लाइक आई लव 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 द स्मेल। एंड मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली पूरा वैक्स है, इसे आपको बस इस तरह से रोल करना है ऑन योर लिप्स। एंड बाय द वे मैंने इस लिपस्टिक के नीचे भी इसे ही वेयर किया है, सो बहुत ही अच्छा है, लिप्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेगा, एकदम यू नो वो पोकेमोन का डब्बा लगता है मुझे तो, देखो कितना प्यारा लग रहा है, सो क्यूट। तो एक चीज़ अगर इस पूरे हॉल में से अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, सो डेफिनेटली ट्राई दिस, यू विल लव इट एंड योर लिप्स विल लव इट एंड गिव योर लिप्स द मॉइस्चराइजर। हम आमतौर पे ना सारे बॉडी पार्ट्स का केयर करते हैं बट लिप्स को भूल जाते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। इतनी कम प्रोडक्ट्स में मैंने ऑलमोस्ट अपना फुल फेस ऑफ मेकअप खरीद लिया है, सो ज़रूरी नहीं है आप यू नो कभी भी शॉपिंग करो तो आप महंगी चीज़ें खरीदो, कम चीज़ों में सस्ती चीज़ों में भी आप अच्छा खासा मेकअप कर सकते हो, एंड दैट इज़ वॉट माई चैनल इज़ ऑल अबाउट, बींग ऑन बजट, शॉपिंग स्मार्ट। सो आई होप आपको मेरे ये आज का हॉल पसंद आया हो। इसी के साथ मैं अपना पिटारा बंद करती हूँ और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय।